अगर मैं ब्रेक नहीं लगाया होता ABS और पीछे का लगा दिया होता तो तलाश मूवी का सीन पक्का था, पक्का मैं अंदर डूब जाता। सही है। दिन नया, शुरुआत नया, कहानी नहीं और जिंदगी की सीख भी नहीं। तो आज तारीख है जुलाई 12 है, टाइम शायद 7:30 हो रहा है। नहा वहा के सब फ्रेश वेश हो गया मैं। पहली बार परसों आया मैं गोकर्णा, पहली बार मैं 48 आवर्स में पहली बार इतना कम बारिश देखा। ये देखो एकदम बारिश नील के हिसाब है, पूरा बारिश ख़त्म के बराबर ही है। इसलिए जल्दी जल्दी क्या है, अपने सामान वामान पैक करके नीचे जाके वो दो जो मेन बैग है वो बांध देता हूँ। अगर वो बांध दिया तो बाकी कोई चीज़ का टेंशन नहीं रहेगा। क्या है वो अभी बहुत तेज़ बारिश हो गया, वो बांधने जाऊँगा तो भीग जाएगा कैमरा वैमरा, भीग जाएगा। फटाफट सामान वामान बांध लेता हूँ फिर निकलूँगा इधर से, क्योंकि नाश्ता वाश्ता नहीं करूँगा इधर, कहीं रोड पे ही कर लूँगा। गोकर्णा आई एम गोना मिस यू, आई एम गोना मिस दिस वेदर, आई एम गोना मिस दिस रेन, आई एम गोना मिस दिस वैलीज, आई एम गोना मिस एवरीथिंग। लव यू गोकर्णा, बाय बाय, गाड़ी पे मिलते हैं, पीस। बैग पूरा सेट हो गया, वाटरप्रूफ फुल टाइट फिट किया, सीधा बीदर जाके रुकेगा बैग अब, सॉरी गाड़ी। और ये देखो मौसम, मौसम का हाल फिलहाल कुछ ऐसा है। अभी क्या है, टैंक बैग एक बांधना रह गया, टैंक बैग एक 15-20 मिनट छोड़ के बांधता हूँ, थोड़ा पानी वानी पी के। टैंक बैग बांधने का फिर 10-15 मिनट में फुर्र हो जाने का इधर से। चलो मिलते हैं फिर गाड़ी पे, पीसा बाय। ट्रिप वन, कल मैं घूमा अराउंड 50 किलोमीटर्स। तो फर्स्ट डे मेरा ट्रैवल हुआ 610 किलोमीटर्स, कल 70 पकड़ लो तो परसों 600, और ट्रिप टू को कर देता हूँ 0 आज का है। ये आज का 0 हो गया। अभी क्या है, बैठते हैं पहली फुर्सत में, निकलते हैं, मैप लगा देता हूँ। थोड़ा बहुत लाइट बारिश है, अगर बारिश तेज़ हो गया तो अंदर रख लूँगा फ़ोन को, कोई दिक्कत का बात है नहीं। बाबा, जिंदगी ने मुझे जो कल सीख सिखाई वो मैं आपको सिखाना चाहता हूँ, और मैं सिखाना नहीं चाहता, मैं बस बताना चाहता हूँ, बाकी आपकी मर्जी। स्वामी विवेकानंद जी ने अपने बुक में लिखा है कि अगर आप दूसरों के गलतियों से सीख के आगे बढ़ते हो तो आप जिंदगी जल्दी मतलब अच्छा मकाम पे जी लेते हो। अगर आप खुद सब एक्सपीरियंस करना है, खुद सब गलती करते बैठोगे तो ज़िंदगी बहुत छोटी पड़ जाएगी। इसके हिसाब से मैं आपको कहानी बताता हूँ कल का। तो मैंने, मेरे को ज़िंदगी ने सिखाया कि क्या है, अंधा भरोसा किसी पे मत करो, लोग बदलने के लिए होते हैं, वो आज नहीं तो कल कभी ना कभी बदल जाएंगे, या तो आपके फेवर में या तो आपको आपके अपोज में, पर बदलना ज़रूरी है, बदलाव ज़रूरी है। तो क्या है, यकीन भरोसा करो, ठीक है अभी आप चाहते हो ये वो LL, फिर आपकी मर्ज़ी, भरोसा करो, ज़्यादा दिल मत लगाओ, क्योंकि इंसान है, इंसान बदलने के लिए होता है, एक दिन आपको झटका दे ही देगा। और एक बात, दूसरों के लिए क्या है, जीना कम कीजिए, क्योंकि दूसरों के लिए जीना शुरू करोगे तो दूसरों के लिए एक दिन मरना भी पड़ेगा, याद रखो। आपको मरना है दूसरों के लिए तो इट्स योर विश, आई एम नो वन टू से यू। मैं आपको कल बता रहा था ना, मैं एक जगह गिर जाता मतलब समुंदर में, आपको दिखाता, रुको जगह कौन सा है, इधर ही ऐसा ही कट आता है, ये भी समंदर का पानी है, एग्जैक्ट यही वाला पॉइंट है, देखो इधर ऐसा मुड़ा। कल परसों रात को क्या था, इधर मिट्टी विट्टी था तो उधर गाड़ी मेरा स्लिप मार दिया सडनली, मेरे को जाना था राइट को, गाड़ी स्लिप मारा सडनली लेफ्ट गया एकदम। अच्छा वो पीछे का ब्रेक नहीं दबाया, ABS दबाया मैं, गाड़ी स्टॉप हुआ और आगे एकदम लाइट पड़ा, कुछ नहीं दिख रहा था भाई, अंधेरा, एक स्ट्रीट लाइट नहीं है, इधर है उधर नहीं है, कॉर्नर पे एकदम अंधेरा दिखा, पानी दिखा मेरे को थोड़ा, ऐसा फटा ना, मैं 10 मिनट के लिए उधर ही ठहरा। अगर मैं ब्रेक नहीं लगाया होता ABS और पीछे का लगा दिया होता तो तलाश मूवी का सीन पक्का था, पक्का मैं अंदर डूब जाता।
निपट जाता कहानी मेरा। बाप रे कैसा जी, वो सब मेरे को एकदम फ्लैशबैक हुआ, इमेजिनेशन मतलब एकदम इमेजिनेशन में चले गए। धन से गाड़ी अंदर गया, डूबा, वाह। स्विमिंग आता है पर क्या, फिर भी भाई आदमी हदस जाता है ना, स्विमिंग आए ना आए। अब तुम जाके समुंदर में, बीच समुंदर में गिर गए, स्विमिंग आए ना आए फ़र्क नहीं पड़ता। हिम्मत रहना चाहिए, वो क्या बोलते हैं, जिंदा रहने का। इधर के पानी में ना कुछ अजीब सा स्मेल है। ये स्मेल मेरे को पता है, मेरे बीदर के पास एक जहीराबाद बोल के है, जहीराबाद वो एक्चुअली तेलंगाना में आता है। उधर संगम बोल के एक गाँव है, संगमेश्वर महादेव का मंदिर है। मैंने सेम स्मेल, वही जब शिवलिंग का पूजा अभिषेक करते हैं सेम स्मेल मैंने देखा है, वही स्मेल एकदम दम से हिट मारा मेरे को। अरे पानी निकलने के लिए देखो तो, अरे क्रैक आ गया भाई उसमें इतना इधर गिरा भी है। क्रैक का तो छोड़ दो, लैंडस्लाइड। अब जैसे तुम सर्कल बनाते हो ना अपना फ्रेंड सर्कल, ये मत समझो भाषण झाड़ रहा है, बोल रहा हूँ बस। आप अपना फ्रेंड सर्कल जैसा बनाते हो ना, उस पर बहुत डिपेंड करता है। अब इंसान के वाइब्स कैसे हैं, थोड़े लोगों का रहता है हमेशा दुखी रहते हैं, ज़िंदगी से तकलीफ़ रहते हैं, हमेशा कंप्लेंट से वो। अब ऐसे लोगों के साथ रहोगे तो आप भी वही करना शुरू कर दोगे। मैं पहले बहुत मज़े में रहता था, ऐसे लोगों के साथ रह रह के मैं भी कंप्लेंट्स करना शुरू कर दिया। मैं ब्लेम उन पे नहीं कर रहा हूँ, ब्लेम आपका है कि आप ऐसे लोगों के साथ रह रहे हो, समझे। सिर्फ साथ मतलब पूरा ऐसा ग्रुप में घूमने का ही नहीं, आप बस फ़ोन पे बात भी कर लो तो पर्सन के वाइब्स आपको लग जाते हैं, तो संभालो। कॉशन रिवर, शरावती रिवर, देखो उधर बीच में दो कलर्स है, कितने सारे आइलैंड है। सही है यार, एक नंबर। बोट्स भी बहुत सारे हैं। अरे मैं तो भूल ही गया था, आज सोमवार है, सोमेश्वर का दिन। इसी बात पे बोलो हर हर महादेव। एक्चुअली मेरे को चाहत था कि मंडे मैं कैसे भी मुर्डेश्वर पहुंचूं, और किस्मत का खेल देखो इतना सा प्रॉब्लम हो के भी मैं मंडे ही मुर्डेश्वर पहुंच रहा हूं। एक्चुअली कल क्या प्लान कैंसिल हो गया था, रात को कहां से प्लान बना, रात को नहीं वही रेन पैंट रेन जैकेट लेने के बाद, बंदे का शुक्रगुजार रहूँगा मैं। पीछे आपको शायद दिख रहा होगा मिरर में, दो पंजाब, वो दो स्कॉर्पियो हैं, पंजाब के गाड़ियाँ हैं, फुल अंदर बैठ के ऋषि, अंदर पूरा भर भर के ऋषि मुनि सब है, मतलब वो साधु लोग हैं उधर से आ रहे हैं शायद। बस शंभू है, इतने खास लोग दूर दूर लाखों किलोमीटर से आते हैं। वाह वाह, रोड एक ग्रीन ऐसा आंखों में ना, ग्रीन 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 बस गया पूरा। मुर्डेश्वर बोर्ड राइट बता रहा है, यस। ये याद है कमान मेरे को, बहुत बचपन में आया था, फिफ्थ स्टैंडर्ड में या फोर्थ में शायद।
यस, हियर वी एंटर मुरुडेश्वर। आगे जाते जाते क्या है, समंदर दिखना शुरू हो जाएगा, तब आएगा ना असली मज़ा। साला अब तक रिकॉर्डिंग चालू ही नहीं था, इतना सब बात किया मैं शंभू के बारे में। क्या मंदिर है महाकाल, सही है ये बाबा। 20 फ्लोर का है ये ऊपर तक, और इधर नीचे से जो है ऊपर जा सकते हैं, 10 रुपये का फीस है, पर लाइन बहुत लगा है, मैं तो नहीं जाऊंगा। लिफ्ट एलिवेटर है, ऊपर जाके टॉप दिखता है। इसके पीछे शंभू का एक बड़ा मूर्ति है, वो अभी अंदर से भी आता है, इधर से बंद है। अभी यहाँ से घूम के जाना पड़ेगा वो होटल से, होटल आपको बताता हूँ, याद है, पीछे जा के मिलता हूँ। मोबाइल का स्टोरेज फुल होने की वजह से हेलमेट डाल के रिकॉर्डिंग करना पड़ रहा है। ये देखो, ये है महाकाल का मूर्ति, शंभू हर हर महादेव। ये महारामेश्वरम बोल के इधर एक लिंगा है। अभी अंदर तो नहीं गया मैं, ये हाथ दर्द देने लग गए पकड़ पकड़ के। ये मैं जो बोल रहा था 20 फ्लोर वाला, और इधर से बीच दिखता है, ये सब पूरा बीच है। ये सारे कंस्ट्रक्शन RNS का है, RNSIT जो बेंगलुरु में कॉलेज है ना, नीचे डायरेक्टर का ग्रुप है ये, आइसक्रीम तक RNS ग्रुप का है। तो वो जो होटल दिख रहा है उधर जाऊंगा, कुछ लंच ही करना पड़ेगा। टाइम 11:25 हो गया, गाड़ी मैंने गलती कर दी उधर ही लगा के, सामान वामान को कुछ ना हो जाए। जल्दी जाके गाड़ी लेके यहाँ आता हूँ, फिर मिलता हूँ आपको। तो गाड़ी सेफ लगा दी है इधर, पानी ले लेता हूँ, ATM के सामने है, कोई टेंशन नहीं है गाड़ी का। यही होटल है नवीन बीच रेस्टोरेंट। इसके कहानियाँ अच्छे अच्छे हैं मेरे से जुड़े हुए। तो बचपन में आया था ना, ये सब रोड वोड कुछ नहीं था, तो ये सीधा समंदर में लगता था मेरे को, बीच समंदर में थोड़ा बहुत है, ज़्यादा भी नहीं है उतना, थोड़ा बहुत समंदर में बने जैसा है, इसीलिए लगता बहुत बड़ा है ना, ऐसा कुछ नहीं है, अच्छा है फिर भी रेस्टोरेंट।